ये जो चेयर है ये मैंने खरीदा था, अभी भी मैंने हटाया नहीं। कल जो मैं बोल रहा था एक लोकेशन के बारे में, ये सिलचर का एक अननोन ब्रिज आप देख सकते हैं, और वो रहा ब्रिज अभी जहाँ से हम लोग आए, वहाँ पे माउंटेन का व्यू आता है, यहाँ पे खुला मैदान और इस तरफ एक रिवर। क्या खूबसूरत लोकेशन है ये। हेलो गाइस, नमस्ते, दिस इज केतन और आप देख रहे हैं केपी व्लॉग सिलचर। सो आज का इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, बहुत ही गर्मी लग रहा है। हम लोगों का मैंगो शेक भी आ गया है, एक बार मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे मैत्री मेरा बहन पढ़ाई कर रही है, एग्ज़ाम दे रही है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरा जो कार्ड है वो भी आ चुका है। अभी हम लोग मैंगो शेक पियेंगे। चीयर्स। सो हम लोगों ने जूस कंप्लीट किया और अभी यहाँ पे मैं कर रहा था एडिटिंग, कल का वीडियो का एडिटिंग कर रहा था, वो जो मेरा बाइक जो खराब हो गया था उस वीडियो का एडिटिंग मैं कर रहा था। सो वीडियो तो एक्सपोर्ट हो चुका है, अभी इसे अपलोड करना बाकी है। एक और चीज़ गाइस, आपको अगर लगता है कि मुझे किसी चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए अपना वीडियो पे, तो आप मुझे नीचे कमेंट पे ज़रूर बताना। सो गाइस, यहाँ पे हो रहा है वीडियो अपलोड। हर वीडियो मैं 4K में बनाता हूँ, इसलिए अपलोड होने में भी ये बहुत समय लगा देता है। यहाँ पर आप देखिए, एक बार सिर्फ वीडियो अपलोड होने में लग रहा है 12 मिनट, उसके बाद SD, फिर HD, फिर 4K, बाप रे बहुत समय लग जाता है इन सबको अपलोड होने में। फिलहाल तो इसे अपलोड होने देते हैं। और अभी मेरा एक और काम है, ये जो चेयर है ये मैंने खरीदा था मार्च के महीने में इसी साल, और इसका जो प्लास्टिक है इसे अभी भी मैंने हटाया नहीं। सो आज मैं इसे हटाने वाला हूँ, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर बैठने से बहुत गर्मी लगता है और आपको पता ही है कि इतना गर्मी हो रखा है। सो मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसका प्लास्टिक जो इसे हटा दूँ। गाइस, हमने तो इसका प्लास्टिक खोल लिया है, और फिर भी इसके साइड में कहीं कहीं पर प्लास्टिक लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ नीचे बहुत सारा जगहों पर भी प्लास्टिक है, ये निकल ही नहीं रहा है, बहुत टाइट हो रखा है। अभी इस पर बैठ के देखते हैं कैसा फील आता है। प्लास्टिक खोलने के बाद इसमें मैं पहली बार बैठूँगा, अभी बैठ के देखते हैं क्या फील आता है। हाँ, एकदम से वो चिड़चिड़ वाला आवाज़ चला गया है, थोड़ा अलग लग रहा है, मज़ा ही आ रहा है इस चेयर पे अभी। ये जब चेयर मैंने नया लाया था, तब इसमें से एक स्मेल आ रहा था, वो जो हर नया प्रोडक्ट का एक अलग अलग स्मेल होता है, इसका एक अलग सा लेदर का स्मेल आ रहा था, वही सेम स्मेल अभी फिर से आ रहा है इस चेयर से, क्योंकि मैंने प्लास्टिक जो हटाया ना इसके अंदर से आ रहा है। सो गाइस, अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं मधुबन साइड, कल जो मैं बोल रहा था एक लोकेशन के बारे में, उसी लोकेशन पर हम लोग आज जाएंगे, और वो सीन आप चेकआउट करना। सो आज मैं लेने वाला हूँ ये वाला सुपर स्प्लेंडर, क्योंकि मेरा जो बाइक है वो कल का व्लॉग में आपने देख ही लिया होगा कि मेरा बाइक जो है वो थोड़ा ख़राब है, उसका सर्विसिंग भी करवाना पड़ेगा। सो इसीलिए आज मैं ये सुपर स्प्लेंडर लेके जा रहा हूँ। तो गाइज, अभी हम लोग ऐसा एक लोकेशन पे आए हैं जहाँ पे ये सिलचर का एक अननोन ब्रिज आप देख सकते हैं, ये यहाँ से आके कनेक्टेड नहीं है। बहुत ही सुंदर लगता है ये वाला ब्रिज यहाँ पे, जब चालू हो जाएगा यहाँ पे बहुत बड़ा एक शॉर्टकट होगा हम लोगों का लक्कीपुर साइड जाने के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे आके यहाँ पे कनेक्ट होगा। सो गाइज, अभी हम लोग ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं, अगर आप देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग टाइप हो रहा है हम लोगों का। ओ भाई, यहाँ में ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, बहुत हाइट है यहाँ पे, हम लोग यहाँ तक ही आ पाए। मैं नहीं जा सकता, चल नीचे चल, चलो जाना पड़ेगा। सो अभी हम ब्रिज से उतरने के बाद जा रहे हैं सामने का एक बहुत ही बड़ा फील्ड पे।
यहाँ बाइक गाड़ी सीखने के लिए ये पूरा बेस्ट जगह है पूरा। यहाँ से आप नदी का भी एक सीन ले सकते हो। और वो रहा ब्रिज अभी जहाँ से हम लोग आए, कितना खूबसूरत लग रहा है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं इस फील्ड का एक चक्कर लगाने। मैं कभी भी उस साइड तक नहीं गया हूँ, बस जस्ट यहाँ पे आया था रिवर के साइड। आज मैं जाऊँगा उस साइड में भी थोड़ा एक्सप्लोर करके आऊँगा। चलो चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे लोग खेल रहे हैं फुटबॉल, वहाँ पे माउंटेन का व्यू आता है, यहाँ पे खुला मैदान और इस तरफ एक रिवर। ओ भाई क्या खूबसूरत लोकेशन है ये। सो गाइस अभी यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं फोटोशूट। बहुत ही सुंदर लोकेशन है, एक बार आप देखिए। यहाँ में शूट करते करते हो गया है लगभग आधा घंटा और अभी लग रहा है बारिश आने वाला है। तो अभी और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग घर के लिए रवाना हो जाएंगे। एक बार आप यहाँ पे देखिए, शुभम अभी पोज दिखा के दे रहा है, ये सौरभ। सौरभ क्लिक कर रहा है आज पोर्ट्रेट। तो ये लोग मुझसे मिलने आया है, मेरा घर का सामने रहता है तो बोलता है कि आपका ब्लॉग मैंने देखा है और दौड़ के आया मुझसे मिलने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर और घर जाके एडिटिंग करूँगा इस ब्लॉग का। आज का राइड पे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, आशा करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा ये वीडियो। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं सोच रहा हूँ कि उस लोकेशन तक जाने का एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊँ विथ मैप, वो जो मैंने पहली बार बनाया था अनसीन पार्ट ऑफ सिलचर, उसी टाइप में एक और वीडियो बनाऊँ उस लोकेशन तक पहुँचने के लिए, बिकॉज दैट लोकेशन इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही जल्द आपको एक वीडियो मिलेगा उस लोकेशन तक पहुँचने का। अगर आपको पता है देन इट्स वेल एंड फाइन, नहीं पता तो मेरा वीडियो देख के आप पता लगा सकते हो। जाके देखना क्या सुंदर लोकेशन है, एंड वो लोकेशन तो बाइक गाड़ी सीखने के लिए बेस्ट है। सो गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। This is Ketan signing out from KP Vlogs Silchar.